खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89,27,000 रुपए की अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल और 5,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कई बार सीबीआई जज शिवपाल सिंह और लालू प्रसाद यादव के बीच हल्की फुल्की हंसी मजाक देखने को मिली। सीबीआई जज ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपियों के लिए ओपन जेल ठीक होगी क्योंकि उन्हें गाय पशुपालन का अनुभव है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने अदालत में पेश किए गए लालू प्रसाद यादव की ओर इशारा कर पूछा, जेल में कोई दिक्कत तो नहीं? जवाब में लालू ने कहा, साहब जेल में मेरे परिचितों को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो आपको अदालत में बुलाते हैं जिससे आप सबसे मिल सकें। लालू ने जज से कहा कि हमने कुछ नहीं किया जज साहब, जेल में बहुत ठंड लगती है। इस पर जज ने कहा, तबला बजाइए। जज ने लालू से कहा कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की व्यवस्था के बारे में विचार किया जा रहा है। इस पर लालू ने अनुरोध भरे स्वर में कहा, साहब मुझे अदालत में सशरीर बुलाकर आप अपना फैसला सुनाएं। इस पर अदालत ने कहा, आपकी पेशी अदालत में कैसे करवाई जाए इसके बारे में कल ही फैसला करेंगे। लालू ने कहा, साहब फैसला देने के मेरे ठंडे दिमाग से विचार करिएगा। इस पर न्यायाधीश ने कहा, आपके शुभ चिंतक दूर दूर से फोन कर रहे हैं। लालू ने मजाक के अंदाज में कहा, जेल में किन्नर भी बंद है, गलती से आ गया है। इस पर न्यायाधीश ने भी हल्के अंदाज में कहा, आप हैं तो सब ठीक हो जाएगा। लालू यादव ने जज से कहा कि उन्होंने लॉ की डिग्री ली है, इसके अलावा पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह उनका रजिस्ट्रेशन भी है। तब जज शिवपाल सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। उन्होंने लालू यादव को सुझाव भी दिया कि आप जेल में बैठे बैठे कोई 2-3 महीने वाला कोर्स कर लें जिससे जेल के अन्य कैदियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। लालू यादव ने जज से कम सजा की गुहार लगाई। इस पर जज सिंह ने कहा कि उन्हें भी बहुत फोन आते हैं, कुछ फोन लालू यादव के लिए भी होते हैं, लेकिन ये सब कुछ मजाक में चल रहा था। इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि कितने साल की सजा, इस पर उन्होंने अभी अपना दिमाग नहीं लगाया है। लालू ने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता अगर नारा लगाएगा तो उसे वे पार्टी से बाहर कर देंगे। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।